फिर जब पूर्णिमा आएगा उसे जल प्रवाहित कर दीजिए, फिर से पूर्णिमा के दिन आप अभिमंत्रित कीजिए और टांग लीजिए, ऐसा ही हर 15 डेज में आप कीजिए। तो अमावस्या का जो ये तिथि होता है, इस दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होता है, तो इन नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ छोटा सा उपाय आप दे दीजिए। लेकिन आजकल तो हम लोग इतना पालन नहीं करते, और इसलिए आज देखिए लोगों का बीमार ज्यादा है, सुख शांति नहीं है जीवन में, इसीलिए है। अगर वो सब बात हम लोग मानते तो इतना ये सब नहीं होता प्रॉब्लम। लेकिन इसका जो टाइमिंग रहेगा ये गोधूली बेला ही होना चाहिए, यानी सनसेट यानी सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर। और माँ काली के लिए लोग साइंटिस्ट नहीं थे लेकिन साइंटिस्ट से भी ऊपर जी, कैसे एक महाजागतिक घटना को एक अच्छे तरीके का समाज व्यवस्था बनाया जाए, ये उन लोगों ने पहले ही सोचा है। नमस्ते, जय माँ कामाख्या। तो वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों के ऊपर शिव शक्ति की कृपा हमेशा बने रहे, इसी प्रार्थना से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो अमावस्या तिथि है, ये अमावस्या तिथि अपने आप में ही बहुत एक खास तिथि है। तो अमावस्या अक्सर लोग कहते हैं कि ये काली रात है, क्योंकि इस तिथि में अमावस्या में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस काली रात की महत्व यानी अमावस्या तिथि का जो महत्व होता है वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बता दीजिए। पूर्णिमा और अमावस दोनों ही बहुत ही खास होता है, लेकिन पूर्णिमा से ज्यादा अमावस का जो रात होता है वो ज्यादा खास होता है। क्यों? अमावस के तिथि में सूरज और चंद्रमा जो है एक राशि में रहते हैं। अमावस्या जो है सूर्य और चंद्रमा का मिलन का काल है, मतलब चंद्रमा जो है चुपके से सूरज के साथ अवस्थित होता है, और इसलिए बहुत ही खास होता है। अब वैदिक विधि में मानो, वैदिक कोई तरीका है, पूजा पाठ है या फिर तंत्र साधना है, मंत्र का साधना है, सब में ये अमावस का दिन बहुत ही खास होता है। और खास करके जो सोमवती अमावस है, यानी कि सोमवार में जो पड़ने वाला अमावस होता है वो बहुत ही खास होता है। जैसे कि आपने बताया कि जो ये अमावस का तिथि होता है, ये तिथि यानी इस तिथि में सूर्य और चंद्रमा चुपके से एक ही जगह में अवस्थान करता है, तो इस दिन तंत्र साधना या फिर तंत्र क्रिया हो, मंत्र हो या फिर नकारात्मक हो सकारात्मक हो, वैदिक विधि भी आता है इसमें, जो वैदिक विधि होता है वो भी। अच्छा, वैदिक विधि भी आता है। तो मतलब बात यह है कि जो एक अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक क्या होता है, एक महाजागतिक घटना है साइंस के हिसाब से, लेकिन जो ऊर्जा समाहित होता है या फिर जो ऊर्जा है चंद्रमा में, उसको कोई भी ना नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा एक शक्ति का भंडार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, पूर्णिमा या अमावस में जिनका भी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर का जिनका भी इशू, इवन मेरा भी है बीपी का इशू, या फिर कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस है किसी लोग का, किसी व्यक्ति का, तो क्या होता है, पूर्णिमा के आगे या पूर्णिमा के दिन या उसके एक दिन बाद या फिर अमावस के भी एक दिन आगे, अमावस के दिन या फिर अमावस के बाद क्या होता है, थोड़ा फिजिकल इश्यूज होता है, हेल्थ इश्यूज, बीपी हाई हो सकता है, जिनका लो है उनका लो हो सकता है, ठीक है। और उसी हिसाब से आप देखिएगा कुछ जो नेचुरल कैलामिटीज है वो भी होता है, जैसे भूकंप आना, बारिश होना, अचानक से मतलब जो गर्मी है बढ़ जाना या जो ठंडी है वो बढ़ जाना, ये सब होता है। क्यों होता है? अभी साइंस के हिसाब से साइंटिफिकली देखा जाए तो एक महाजागतिक घटना के कारण होता है, लेकिन इसमें जो भारत का मतलब जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, साइंस का बेस वो ही लोग है एक्चुअली। जी बिल्कुल। और उसी से जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है साइंस का, उसी से ही हुआ है। तो कुल मिला के बात यही है कि इस घटना को
जो अमावस्या या पूर्णिमा है इसको हम लोग ना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसमें एक ऊर्जा समाहित है बिल्कुल और जिस ऊर्जा को लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात यह है आपको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन आप साधना भी करते हो, बहुत लोग बोलते हैं कि अमावस खराब है, तिथि जो है अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा भी कर्म होता है बुरा भी होता है, यह डिपेंड करेगा लोगों के विचारधारा के ऊपर। अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो ये अमावस होते हैं उसी दिन हम लोग पितृदोष का यंत्र को अभिमंत्रित करके उसको एक्टिवेट करते हैं। तो उसी हिसाब से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग बुरा काम भी करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी काम होता है तंत्र मार्ग या मंत्र मार्ग या साधना मार्ग में हमेशा लोगों का भलाई के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये जो अमावस्या या फिर पूर्णिमा है, ये एक बहुत ही बड़ा महाजागतिक घटना है, और इसके बारे में हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आता है, तब सागर में यानी समुद्र में ज्वार भाटा होता द्वारा है, जिसके वजह से भूकंप भी आता है और विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है वो आ जाता है। साथ ही इस समय जो है दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है। और साथ ही अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी होता कारक है। तो इस दिन क्या होता है, इन तिथियों में चंद्रमा, खास करके अमावस्या की तिथि में चंद्रमा जब पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, इसका डायरेक्टली असर जो है एक इंसान की मन के बॉडी अंदर, मन में नहीं, एक्चुअली बॉडी हाँ में बॉडी पड़ता में है। भी पड़ता है। ये बात एकदम सही है। अभी सागर में ज्वारभाटा क्यों पैदा होता है? जिस दिन अमावस या पूर्णिमा होता है उसी दिन होता है ज्वारभाटा, जी बिल्कुल ठीक है? क्योंकि सागर जो है एक पानी का स्रोत बहुत बड़ा स्रोत है। है, और हमारा जो बॉडी है उसमें भी क्या होता है, तत्व जो होता है वो 70% जल तत्व ही जल ज्यादा तत्व होता है। ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों का भी बॉडी में ज्वार भाटा ये क्रिएट होता है, ज्वार भाटा आता है। और इसीलिए हम लोगों का, मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि अगर बीपी का इशू होता है तो वो बढ़ सकता है, सकता या बीपी लो है तो और भी लो हो सकता है, या है। फिर कोई लोग मेंटली डिस्टर्ब है तो उन लोगों का थोड़ा असंतुलित हो सकता है, डिसबैलेंस। इसीलिए होता है कि बॉडी में जो है जल तत्व तो जो है 70% सबसे ज्यादा, तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो यानी कि खास करके अमावस्या तिथि की बात कर रही हूँ, तो जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है तो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे या फिर जो माइंड है यानी मन में इसका असर पड़ता ही है, यानी शरीर हो या मन हो हमारा जो है वो वीक हो जाता है, यानी दुर्बल हो जाता दुर्बल है। हो तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि जब किसी का मन या शरीर जो वीक हो जाता है, जब वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो उसे नेगेटिविटी जल्दी से कैच कर लेता है यानी पकड़ लेता है ना। तो इसीलिए शायद अमावस्या के दिन अक्सर लोगों से ये हमें सुनने को मिलता है कि अमावस्या के दिन इसने ये तंत्र क्या कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये बात कितना दूर तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमावस का जो रात होता है या फिर पूर्णिमा का, पूर्णिमा में भी तंत्र क्रिया होता है, लेकिन जो काला जादू ब्लैक मैजिक वो ज्यादातर अमावस के दिन किया जाता है, क्योंकि अच्छा काम या बुरा काम एक टाइम होता है, जैसे होरा एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सभी काम का एक होरा होता है, उसी समय में करना पड़ता है ना। चौघड़िया हाँ, तो उसी हिसाब से हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन तंत्र क्रिया में क्या होता है अमावस के रात, उसमें होरा बोल के कुछ नहीं होता। जिस टाइम से अमावस का शुरू होगा, जिस टाइम खत्म होगा अमावस, या जिस टाइम पूर्णिमा शुरू होगा और जिस टाइम खत्म होगा, उसी टाइम के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि तंत्र क्रिया ब्लैक मैजिक हो चाहे व्हाइट मैजिक किया जा सकता है। जो दुष्ट तांत्रिक लोग होते हैं वो लोग करते हैं ब्लैक मैजिक,
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अमावस में सिर्फ काला जादू ही कर सकते हैं। अमावस में बहुत सारा ऐसा अच्छा क्रिया भी है जिसको करके लोगों का भला किया जा सकता है। तो कुछ देर पहले मैंने बोला जैसे कि पितृदोष का जो यंत्र होता है, बहुत लोग खरीदते हैं 300-400 रुपया में, लाके घर में किसी कोने में बिठा देता है। उससे काम नहीं बनेगा, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको प्रॉपरली विधि विधान से अभिमंत्रित करना होगा, प्रॉपर टाइम में उसको स्थापित भी करना होगा, स्थापना करना होगा। ऐसा नहीं कि बाजार से आजकल मिलता है जो यंत्र होता है, पितृदोष का होता है, बिजनेस का प्रोग्रेस के लिए होता है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसका बंधन तोड़ने के लिए होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली अभिमंत्रित करना होता है और उसका समय होता है, टाइम होता है, तिथि होता है, उसके हिसाब से करके ही रिजल्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कहना यही चाहता हूं कि तंत्र विद्या जो है अमावस के रात किया जाता है, ये झूठ नहीं है। तो अभी आपने जैसे कि बताया कि अमावस्या में सिर्फ बुरा काम ही नहीं होता है बल्कि कुछ अच्छा काम भी होता है। तो अमावस का जो तिथि होता है वो बहुत ही खास होता है कुछ खास चीजों के लिए, सात्विक विधि के लिए, चाहे वैदिक या फिर तांत्रिक विधि के लिए। उनमें से जो है अमावस्या जो है माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है, और साथ ही किस किस चीज के लिए ये अमावस्या तिथि खास होता है? सबसे पहले तो अमावस जो है पितरों के लिए समर्पित है, मतलब पितृदोष है, या फिर अगर है भी नहीं पितृदोष तब भी, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए पितृदोष है तो इसलिए हम लोग पितरों का सम्मान आदर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वैसे भी करना चाहिए तभी आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले जो खास बात है, पितरों के लिए समर्पित होता है अमावस, जो अमावस का तिथि है। तो उस दिन या उस तिथि में पितरों के लिए अगर आप भोग दिया धूप दीप जलाते हैं, कुछ दान वगैरह करते हैं पितरों के लिए, उससे भी आशीर्वाद मिलता है पितरों को, पितरों का, वो एक खास बात है। और जैसे तुमने बोला कि माँ लक्ष्मी का भी दिन है या तिथि, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग मानते यह है कि पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करना चाहिए, ये नहीं है, अमावस के दिन में भी किया जा सकता है और ये बहुत खास है, क्योंकि उस दिन या उस तिथि में जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा बहुत ही हाई होता है, मतलब उच्च स्तर में होता है, और अगर वो ऊर्जा आपने ले लिया और अगर वो उस ऊर्जा को यूज करके कुछ सिद्धि साधना किया जाता है तो बहुत ज्यादा फल मिलता है। साथ ही अमावस्या का जो तिथि होता है वो माँ काली को भी समर्पित होता है, बिल्कुल और ये जो अमावस्या का तिथि है वो खास तौर से पितृ को भी समर्पित होता है, क्योंकि अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष आ जाता है तो वो एक काला जादू जैसा बन जाता है, यानी काला जादू जो उससे भी एक ऊपर है, पितृदोष हाँ जो है उससे भी ऊपर है, काला जादू से भी ऊपर, क्योंकि पितृदोष अगर लग जाता है तो किसी प्रकार का पूजा पाठ ध्यान साधना हवन पूजन कुछ भी काम नहीं देगा। सबसे पहले पितृदोष का जो है निवारण करना पड़ता है। और जैसे तुमने बोला कि माँ काली को समर्पित है अमावस, सिर्फ माँ काली को नहीं भगवान श्री विष्णु जी को भी समर्पित है, जी बिल्कुल ठीक है, और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि जो ये पितृ दोष है वो काला जादू से भी ऊपर है, तो अमावस्या के दिन जैसे कि पितृ दोष निवारण यंत्र वगैरह जो विधि हवन होता है सब एक इंसान कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा आप उपाय बता दीजिए कि ताकि आने वाले अमावस्या में वो करके लाभ उठा सके। एक टोटका बोल सकते हैं, उपाय भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो पितरों का जो दीपक होता है, दक्षिण यानी कि साउथ के तरफ मुंह करके दिया जलाना है, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल से, एक सफेद भोग,
चीनी हो, बताशा हो या सफेद कोई मिठाई, उसके साथ एक सफेद फूल हो सके तो। ये उपाय करने से भी पित्तदोष काफी हद तक शांत होता है। लेकिन ध्यान रहे कि एक मिठाई लाया, फूल लाया, दीपक जला के ऐसे ही जला के चले आए, ऐसे नहीं होगा। आपको अपने मन से करना होगा, दिल से, मन से। इस तिथि में, यानी कि अमावस के तिथि में, गाय, कौवा या फिर कुत्ता को भोजन वगैरह कराने से भी, यानी कुछ खिला देने से भी पितृदोष शांत होता है। अच्छा, यह पितृदोष भी करना चाहिए। निवारण के लिए आप दिया कैसे जलाएंगे, पितरों के लिए पितरों के नाम का दीपक कैसे जलाएंगे, उसका वीडियो हमने चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है। उसका जो लिंक है वो आई बटन में हमने दे दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये जो पितरों का उपाय आपने बोला कि कुत्ते को गाय को खिलाना चाहिए, एक्चुअली ये अगर हम सिर्फ अमावस्या नहीं बल्कि हर तिथि में हर एक दिन करें तो विभिन्न जो ग्रह होते हैं यानी नव ग्रह जो होते हैं उनकी भी कृपा हम पे आने लगते हैं, क्योंकि एक जीव जंतु की सेवा बहुत एक बड़ा कार्य होता हाँ, है। ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, जो पितृदोष है उसको शांत करने के लिए ही खिलाना नहीं चाहिए। उससे तो मिलेगा फल, लेकिन आप हर रोज, मतलब जिनको चाहिए, जिसको चाहिए कुछ खाने के लिए, कुछ भोजन के लिए, जो तड़प रहा है, उसको खिलाने से, जो बेजुबान जानवर है उसको खिलाने से भी, ऐसे भी आपको पुण्य मिलेगा। बात यह है एक्चुअली। तो भारत का जो प्राचीन ग्रंथ है धर्म का, उसमें भी ये दान भोजन का वर्णन किया हुआ है। ऐसे ही नहीं, इसमें जो आपका समाज व्यवस्था है वो बहुत अच्छा होता है, सुधर जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कितना गाय है, कुत्ता है, ऐसे ही सड़क पर घूमता है। कोई कोई तो, किसी को बुरा लगेगा इस बात से, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे नस्ल का कुत्ता लाके घर में, मतलब क्या है, एक फैशन। फैशन बोल सकते हैं, उसके लिए पालते हैं। लेकिन थोड़ा उम्र हो जाने पर उसको घर से निकाल के बाहर छोड़ देते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि उसका भी एक हैबिट हो जाता है। तो 2-3 साल पाल के उसको, 4 साल या 5 साल हो गया, उसको छोड़ देते हैं बाहर, तो उससे क्या पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो उल्टा पाप हुआ, हाँ उसका वो जो तो कर्म, महापाप है, हाँ उसका जो कर्म फल है उसको वो मिलेगा रिटर्न नहीं। होगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर सामर्थ नहीं है या फिर पेशेंस नहीं है, क्योंकि बूढ़ा हो जाने पे क्या होता है, बीमार हो पड़ता है, तो देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने माँ बाप को देखते हैं, लेकिन ये भी आजकल थोड़ा, अभी इसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं। वृद्ध आश्रम हाँ में छोड़ देते हैं, वैसे लेकिन ही, ये सब जो करते हैं उसका कर्म फल हाँ मिलेगा ही, हाँ चाहे मैंने, इस हाँ जीवन में हो या नेक्स्ट जीवन वही अपना माँ बाप को छोड़ दिया, उसका माँ, उसका बेटा भी उसको वही करेगा ना। तो में। बात यह है, तो ये सब करना नहीं चाहिए। और जो खाना खिलाने का, ये भोजन करवाना, ब्राह्मण आदि को भोजन देना, या फिर कोई भी, मैं कुत्ता बोल के ही नहीं बोल रहा हूँ, गाय कुत्ता, ऐसा कोई निडी पर्सन भी होता है, जैसे मतलब बेगर्स होता है बाहर में, उन लोगों को भी खिलाना चाहिए। जी मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, हाँ, दाल खिचड़ी जो भी हो, अच्छा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अच्छा खिलाना है, मतलब सामर्थ्य अनुसार। समझ सिर्फ गाय और कुत्ता को खिलाने से भी नहीं होगा, बाहर में बहुत लोग खाना के लिए तड़पता है, गए। उन लोगों को भी खिलाना चाहिए। और जो ये कि आजकल फैशन बन गया है कि भोजन दान कर रहा है आदमियों को, और उधर वीडियो वगैरह करके दे रहा है, ये गलत बात है। थोड़ा मेरे हिसाब से मैं बोल रहा जी हूँ, जी वो करना नहीं चाहिए। आप करो, क्योंकि हाँ ऐसे दान भी, करने हाँ से दान गुप्त गुप्त होना होना चाहिए, चाहिए। अगर आप राइट हैंड से दान कर रहे हो तो वो लेफ्ट हैंड को भी पता होना नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और ये जो हमारे विद्वानों ने, पंडित पुजारियों ने, ऋषि मुनियों ने ये विधि विधान बनाया कि पूर्णिमा में या फिर इस तिथि में अमावस्या में दान करो, निडी को खिलाओ, जो गरीब है उनको सहायता करो, कुत्ते बिल्ली या फिर कौवे या फिर गाय को खिलाओ, इससे क्या होता है कि जो ये जो समाज व्यवस्था है या फिर हम जहाँ रहते हैं उस जगह की उन्नति भी होता है। उन्नति संतुलित होता है, मतलब सबको जो अधिकार है जीने का, आपके
किसी के पास ज्यादा है तो वो थोड़ा दान कर देने से जिसका नहीं है उसके उसके साथ ये संतुलित हो जाता है। ये बात है। वैसे ही कोई लोग दो तीन टाइम का खाना एक ही बार में खा रहा है, वेस्ट भी कर रहा है। इससे बेटर है कि किसी को आप थोड़ा सा दे दो, आप आपका जो हिस्सा है उसमें से आपका भी पुण्य होगा, किसी का पेट भी भरेगा, चाहे जानवर हो चाहे आदमी। एक संतुलित व्यवस्था करने के लिए समाज का जो व्यवस्था है वो बात। तो वही बात जो हमारे ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में ये सब बताया है कि कैसे एक महाजागतिक घटना को एक अच्छे तरीके का समाज व्यवस्था बनाया जाए, ये उन लोगों ने पहले ही सोचा पहले है। दूरदर्शी थे वो जी, बहुत दूरदर्शी, तो इसलिए पहले ही बना के रखा। हालांकि प्राचीन काल में क्या होता था कि ये करना नहीं चाहिए, उसका जो कारण है वो लोग बताते नहीं थे। क्योंकि जैसे हम लोग मैजिक देखते हैं, मैजिक जो शो होता है, अगर मैजिशियन उस मैजिक का ट्रिक बता देगा तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हट जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने पहले ही बना के रखा है नियम, और वो एकदम साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया। एकादशी में व्रत रखना चाहिए, द्वादशी में आपको ये खाना नहीं चाहिए, त्रयोदशी में ये खाना नहीं चाहिए, वर्जन करना है। क्यों है? उसका प्रॉपर रीजन है। और जैसे कि अमावस के बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, अमावस में क्या करना है? व्रत रखना है, पूर्णिमा में व्रत रखना है, नॉन वेज नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि अमावस या पूर्णिमा के दिन हेल्थ के ऊपर भी बहुत इश्यूज हो सकता है अगर आप नॉन वेज खाते हो तो, और व्रत रखने से बहुत ही फायदा होता है, फल मिलता है। इसीलिए प्राचीन काल में ही वो लोग साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन साइंटिस्ट से भी ऊपर। और आज का जो साइंस है, ये भी बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, आज का जो साइंस है ये भारत का जो प्राचीन ऋषि मुनि का किताब वगैरह है, या फिर हम लोगों का जो धर्म का ग्रंथ है होली बुक्स, उसके ऊपर बेस करके ही बनाया गया है या फिर स्थापित है आज का साइंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमावस का जो ये तिथि है, ये माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और माँ काली तथा शिव जी को भी समर्पित होता है, पितरों को तो होता ही है। तो अमावस्या तिथि में जो भी अगर विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए जिनके पास गुरु दीक्षा नहीं है, तो उनके लिए कौन सा मंत्र या फिर स्तोत्र करना ज्यादा लाभकारी होगा, खास तौर से जो गृहस्थी है? अमावस के तिथि में विष्णु जी के लिए, श्री विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्र नाम, ये पाठ करना अच्छा रहता है। और माँ लक्ष्मी के लिए कनकधारा स्तोत्रम, ये पाठ करने से बहुत ही फायदा मिलता है, बहुत लाभ होता है। अच्छा, तो फिर ये जो विष्णु जी का सहस्र नाम है या फिर लक्ष्मी जी का कनक धारा स्तोत्रम है, ये हम जितनी बार चाहे उतनी बार पाठ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइमिंग रहेगा ये गोधूली बेला ही होना चाहिए, यानी सनसेट यानी सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर। और माँ काली के लिए अगर किसी के पास गुरु दीक्षा नहीं है तब? अगर किसी के पास गुरु दीक्षा नहीं है तो माँ काली के लिए, मतलब माँ काली का साधना करने के लिए अर्गला स्तोत्रम पाठ कर सकते हैं। अच्छा, तो माँ काली का जो साधना का समय है वो अक्सर रात के समय ही होता है। तो अगर कोई गृहस्थी करना चाहता है तो सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं? हाँ, गृहस्थी के लिए तो वही टाइम बेस्ट है, उसी टाइम में करना चाहिए। उग्र साधना है वो रात को किया जाता है, और बाकी जो गृहस्थी लोग के लिए है वो गोधूली वेला ही कर सकते हैं। अच्छा, तो अमावस्या का जो उपाय है और कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन और एक बात बता देती हूँ कि जो अमावस का ये तिथि होता है, ये अमावस के दिन या फिर तिथि में चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, यानी चंद्रमा जो है वो लुप्त हो जाता है, लेकिन लुप्त होता नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है, यानी ये कह लीजिए आप नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होता है। तो इस दिन क्या होता है, ये तिथि तो माँ लक्ष्मी का भी होता है, तो माँ लक्ष्मी को जो है वो साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए
इसीलिए अमावस की तिथि के दिन घर से कूड़ा कचरा जो भी है उसे फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कूड़ा कचरा अमावस की तिथि के दिन के समय ही आप फेंकिए, क्योंकि इवनिंग के समय फेंकना ये मना होता है। कहा जाता है कि एक्चुअली हमारी दादी नानी कहते थे ना कि रात के समय ये सब कचरा नहीं फेंका जाता है। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हाँ, वो बोलिए आप। क्योंकि अगर कोई कॉस्टली चीज गिर गया और जो रात के समय में झाड़ू पोछा लगाया, तो प्राचीन काल में तो करंट नहीं था ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो अगर झाड़ू पोछा से वो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा ना, लक्ष्मी गुम हो जाएगा, लक्ष्मी गुम हो जाएगा। ऐसा ही कुछ और भी है, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब जो प्राचीन काल में हम लोगों का दादाजी नाना जी या फिर कोई भी बूढ़े बुजुर्ग लोग जो बोलते थे उसको मानने से अच्छा ही होता है, खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें साइंटिफिक रीजन है, कारण है। लेकिन बात यही है कि वो लोग नहीं बोलते थे कि इसलिए ये हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, ऋषि मुनियों को पहले बहुत कुछ मालूम था, वो लोग बहुत ही दूरदर्शी थे और इसीलिए कुछ नियम बनाया था और उसी नियम को वे लोग पालन करते भी थे। लेकिन आजकल तो हम लोग इतना पालन नहीं करते और इसलिए आज देखिए लोगों का बीमार ज्यादा है, सुख शांति नहीं है जीवन में, इसीलिए है। अगर वो सब बात हम लोग मानते तो इतना ये सब नहीं होता प्रॉब्लम। तो अमावस्या का जो ये तिथि होता है, इस दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होता है, तो इन नेगेटिविटी से बचने के लिए कुछ छोटा सा उपाय आप दे दीजिए। एक बहुत ही सरल और खास उपाय, बहुत लाभदायी उपाय मैं बता रहा हूँ टोटका। अमावस के तिथि में क्या करना है, थोड़ा सा राई लेना है। राई यानी कि जो काला सरसों होता है, मस्टर्ड सीड जो काला होता है, उसको गंगा जल से थोड़ा धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, धूप में सुखा लेना है अच्छे से। उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना बड़ा लाल कपड़ा में वो सरसों का दाना रख के अपने पूजा स्थान में रखना है। और जो भी अपना इष्ट है, जिसको भी आप पूजा करते, करते हो उनका नाम लेके 108 बार उनका मंत्र से अभिमंत्रित करना है उस सरसों को, उन सरसों के दानों को। हाँ। जैसे कि अगर कोई शिव जी को मानते हैं, ओम नमः शिवाय करके 108 बार, अगर माँ कामाख्या जी को मानते हैं तो माँ कामाख्या जी का कोई एक मंत्र लेके। तो माँ कामाख्या के मंत्र के बारे में ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि बीज मंत्र बोले क्या मंत्र बोले, बीज मंत्र से। हाँ, तो मतलब ज्यादातर लोग जो है दीक्षित नहीं है, इसलिए आप ओम कामाख्या दिव्ये नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करके सरसों के दाने को अभिमंत्रित कर सकते हो। और अभिमंत्रित करने के बाद क्या करना है, उसको एक पोटली जैसा बना के, मतलब लाल ढाका से उसको सील देना है या फिर गांठ लगा के जो घर का मेन एंट्रेंस है वहां रख देना है, ऊपर दरवाजे पे टांग के। हाँ। अंदर बाहर का बात नहीं है, किसी भी एक स्थान में। तो वो जो पोटली है सरसों का, वो टांग के देने से क्या होता है, जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में नहीं आ सकता। ये बहुत ही सरल उपाय है, खास उपाय है और लाभदायी, और इससे और ज्यादा लाभ तब होगा अगर हर पूर्णिमा और हर अमावस्या में इसे आप चेंज करते रहे। 15 डेज यानी 15 दिन के गैप में इसे अभिमंत्रित कीजिए और फिर से आप टांग दीजिए। यानी अमावस्या के दिन आप नए सरसों लाइए, फिर से उसे अभिमंत्रित कीजिए और दरवाजे के ऊपर आप टांग दीजिए। फिर जब पूर्णिमा आएगा उसे जल प्रवाहित कर दीजिए, फिर से पूर्णिमा के दिन आप अभिमंत्रित कीजिए और टांग दीजिए। ऐसा ही हर 15 डेज में आप कीजिए। और एक उपाय जल्दी से बता दीजिए, अमावस के तिथि में और खास करके सोमवती जो अमावस है यानी कल है, उस तिथि में अगर पीपल का पेड़ का परिक्रमा किया जाता है तब भी बहुत फल मिलता है। एक्चुअली पाप जो है नाश होता है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख है। सोमवती अमावस के दिन या तिथि में पीपल का जो पेड़ होता है उसका परिक्रमा करना चाहिए, इससे पाप जो है नाश होता है। अच्छा, तो ये जो पीपल के पेड़ के परिक्रमा के बारे में बताया, ये सोमवती अमावस्या नहीं, हर अमावस में भी किया जा सकता है,
लेकिन खास करके अगर सोम की अमावस में किया जाता है तो पापों का नाश होता है, क्योंकि हर एक तिथि हर एक दिन का खास महत्व होता है। हर अमावस में करने से और भी फल मिलेगा अलग अलग, लेकिन खास करके क्योंकि सोमवती अमावस है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप दूसरा जो अमावस है हर महीने जो आता है उसमें भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सोमवती अमावस में किया जा सकता है। तो अमावस का जो ये तिथि है, अमावस का तिथि अपने आप में ही बहुत खास है। शिव जी, महालक्ष्मी जी, विष्णु जी तथा पितरों के लिए, माँ काली के लिए ये तिथि बहुत ज्यादा खास होता है। तो शिव जी के अगर आप भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, साधना कीजिए, या फिर माँ काली की साधक है तो आपको आपके गुरु ने जो भी आपको दीक्षा दिया है, मंत्र दीक्षा दिया है, उससे आप माँ काली की साधना कीजिए। या फिर आप दीक्षित नहीं है तो अर्गला स्तोत्रम की साधना, और लक्ष्मी जी की आप साधना करना चाहते हो तो श्री यंत्र के सामने बैठ के, या फिर माँ की किसी भी मूरत के सामने बैठ के आप कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। और साथ ही पितरों के लिए जो भी ये उपाय हमने बताया है कि दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, इससे क्या होगा, अचानक से नहीं, धीरे 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 आपके लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में ये चेंजेस देखने को मिलेगा। हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि सब काम का एक टाइम होता है रिजल्ट का, जी तो हड़बड़ी करना नहीं चाहिए, जी धीरज रखना चाहिए थोड़ा, उसके हिसाब से ही फल मिलता है। तो चलिए, अमावस्या के विषय में आपने बहुत अच्छा सा टोटका दिया, बहुत सारे और जो साइंटिफिक या फिर वैदिक नीति नियम है अच्छे से समझा दिया। तो इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय माता मंगला। जी।